कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? मैं देख रहा था वहां पे पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर सच्चाई ये है सम्मान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है चारों तरफ से, आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उठाइए इसको जरा। ये कब बना? ये कब बना? हाँ, किस साल बनाइए? एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, आप बोलिए। 1949, कोई कह रहा है 1950, कोई कह रहा है 1949, कोई कह रहा है 1947। ठीक है, तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये बनता? अगर नारायण गुरु जी नहीं होते तो ये बनता? अगर बसवाना जी नहीं होते तो ये बनता? अंबेडकर जी नहीं होते तो ये बनता? बुद्ध भगवान नहीं होते तो ये बनता? गुरु नानक नहीं होते तो ये बनता? तो ये कितना पुराना है? 500 साल। आपने कहा कि ये 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना है, मगर ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 70 साल पुराना नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। और ये जो लड़ाई चल रही है ये 50-70 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिरसा मुंडा जी की सोच का है, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध भगवान, महावीर जी, अगर ये इनकी सोच का है तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है।
और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कहा तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या? हाँ, किस चीज के बारे में? सिर्फ अपने संविधान को जानो, अपने हक को जानो, और मान लीजिए अगर आप, अगर एक युवा आज फिजिक्स बहुत अच्छी तरह समझ जाए, क्या अंबेडकर जी उसे एजुकेटेड कहते? क्यों नहीं? हाँ, अंबेडकर जी का मतलब यह था, एजुकेट का मतलब यह है कि आप कौन हो, आप कहां खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, एजुकेट का यह मतलब है। एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो। अब आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो, इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब यह शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, स्कूलिंग मेरी पूरे हिंदुस्तान में हुई, पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा, 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में, स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए,
उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलोसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या यह आपका नाम है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब, हां वो दूसरे पिछड़े लोग। किसने कहा कि आप पिछड़े हो? किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से ये देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं है। आपकी हिस्ट्री कहां है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है? कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग, 90% लोग हैं ही नहीं। मतलब आप छुपे हुए हो। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स में देखिए आप, 250 कॉर्पोरेट्स की मैंने लिस्ट निकाली, कहां मैं देखता हूं भाई 90% आबादी में से यहां कितने हैं? 250 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स में मालिकों में, सीईओज में, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। करेक्ट? मैं यहां झूठ बोलने थोड़ी आया हूं। हलवा बांट रहे हैं वही, हलवा खा रहे हैं वही। अब उसमें एक और बात है, उसमें बेचारे गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, 5-7%, उनको भी हलवा नहीं मिल रहा। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए, बहुत अच्छा लगा आपने 90 में से तीन की बात की, 90 में से तीन ओबीसी, तीन दलित, एक आदिवासी। दलित की आबादी 15%, आदिवासियों की आबादी 8%, ओबीसी की आबादी कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50%। क्योंकि आपकी संख्या छुपानी है, बड़ा खतरनाक काम है। अगर ओबीसी को अपनी सच्ची संख्या पता लग गई, नब्बे में से तीन, 50% आबादी, 90 में से 3, और अगर हिंदुस्तान की सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 50% को 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेने का मौका मिलता है। तीन अफसर उनको पीछे बैठा रखा है। आपको कोई ओबीसी, दलित, आदिवासी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, पीछे बैठा हुआ है। 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेते हैं, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 90% के लोग 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। बॉलीवुड की बात करिए,
बॉलीवुड में आपको दलित आदिवासी ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई है ये। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है, पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया। मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं। राम मंदिर धूमधाम से, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आएंगे, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? कहा गया था संविधान में, कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट का हक मिलेगा, ये इसमें लिखा है, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको वही हक मिलना चाहिए, कहा गया है। आप हिंदुस्तान की कोई भी संस्था देख लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए, करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। पूरा देश जानता है कि मीडिया में 90% का कोई नहीं है। पत्रकारों को देखिए, एडिटर्स को देखिए, मालिकों को देखिए, मुझे बता दीजिए कौन सा अखबार है हिंदुस्तान में जिसको दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग चला रहे हैं, मुझे बता दीजिए। मान जाऊं मैं, एक नहीं है, तो आपकी आवाज कहां है? कैसे कैसे निकल सकती है आपकी आवाज? आपकी आवाज आपके दिल में है, मगर हिंदुस्तान की संस्थाओं में नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री, मीडिया, जुडिशरी, कहां है आपकी आवाज? और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का सम्मान करूंगा, दलितों का सम्मान करूंगा, आदिवासियों का सम्मान करूंगा, और फिर आपके हाथ से आपकी शक्ति छीन लेते हैं। सम्मान आपको देते हैं और पावर आपसे छीनते हैं। सम्मान आपको देते हैं और आपको हिंदुस्तान की संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और फिर इसको खोखला करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया,
हमने ये दिखाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये, हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया, देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। मगर उनके पास सब कुछ है, सच्चाई है, धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। और यही इस चुनाव ने दिखाया है। हमारे पास मीडिया नहीं, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। और आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं है, बंद हो गया, परमानेंटली बंद हो गया, भूल गए। तो अब मैंने आपसे यह कहा कि भाई लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, दो विचारधाराओं के बीच युद्ध हो रहा है, अब यह भी बताना पड़ेगा रास्ता क्या है। देखिए, मैंने संस्थाओं की बात की, थोड़ा सा मैं आपको दो तीन आंकड़े देना चाहता हूं। जीएसटी इस देश में कौन देता है? कौन देता है? 90% देता है दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग देते हैं। ये आपने शर्ट कितने की खरीदी? ये आपने, हां आपने, ये कितने की खरीदी? 1,500 रुपए की। इस पे आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। अगर यही, अच्छा, अगर यही शर्ट अदानी या अंबानी खरीदें तो जितना टैक्स आपने दिया उतना टैक्स वो देते हैं। जीएसटी गरीब जनता से लिया जाता है, पिछड़ों से लिया जाता है, दलितों से लिया जाता है, आदिवासियों से लिया जाता है। अगर 100 रुपए आज हिंदुस्तान में, अगर 100 रुपए टैक्स में लिए जाते हैं, 40 रुपए आम आदमी की जेब से निकलते हैं, 26 रुपए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों से आते हैं। सबसे गरीब लोग, 50% सबसे गरीब लोग 60% से ज्यादा जीएसटी देते हैं। सबसे अमीर 10% लोग जीएसटी का 3% देते हैं।
सबसे अमीर लोग 3% और सबसे गरीब लोग 2/3। सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। ये जो आपको दिखते हैं 25-30 अरबपति, इनके पास हिंदुस्तान का 40% धन है। और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, इनके पास 3% हिंदुस्तान का धन है। सबसे गरीब 50% के पास 3% धन और 1% के पास 40% धन। और अगर आप सबसे गरीब 50% को की आमदनी जोड़ दें तो उनकी पूरी आमदनी आप मिलाएंगे तो 13% बनती है। तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं हो रहा है, ये आपसे चोरी हो रही है। अब रास्ता क्या है? सबसे पहले हमने कहा है कि ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है आरक्षण में, इसको हम, इस दीवार को हम तोड़ देंगे, हटा देंगे। और दूसरी बात, हम सच्चाई समझना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि इस देश में धन किसके हाथ में है, जमीन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है। सिर्फ हम पता लगाना चाहते हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद होगा क्या। जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा, आप गए, आपने कहा डॉक्टर से, कहा कि भैया एक्सरे करा दीजिए, डॉक्टर ने कहा कि हाँ भैया एक्सरे कराते हैं, फिर पता लगता है भैया हाथ कैसे टूटा है। अब पूरा देश जानता है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, सबको मालूम है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म होता जा रहा है, चोट लग रही है। अब हम सिर्फ यह कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो, पता लगाओ चोट क्यों लग रही है, कारण क्या है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। जाति जनगणना है, जनगणना में हम 2-3 चीजें पता लगाना चाहते हैं। सबसे पहले, किस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 10% हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, कितने हैं? दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं? पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की संस्थाओं में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? लीगल सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी है? जुडिशरी में किसकी हिस्सेदारी है? ब्यूरोक्रेसी में किसकी हिस्सेदारी है? कॉर्पोरेट इंडिया में किसकी हिस्सेदारी है? हमारे संस्थाओं में किसका कंट्रोल है? मीडिया में कितने लोग हैं 90% से? कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग हैं? बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में कितने लोग हैं? हिंदुस्तान में जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं, उसमें कितने लोग हैं? हम एक्सरे करना चाहते हैं। अब अगर आप अस्पताल जाते और आप डॉक्टर से कहते भैया मेरा हाथ टूटा हुआ है, लग रहा है हाथ टूटा हुआ है, हिला नहीं पा रहा हूं, एक्सरे करवा दीजिए, और डॉक्टर आपसे कहता नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, तो आप क्या करते? अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे?
अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल, जो करना है कर लो आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं बता रहा हूं, मैं 20 साल के बाद राजनीति को समझता हूं। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है आपके पास, आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और यह काम मिलकर होगा, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा। और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। यह मैं आपसे कहना था, मुझे आपसे, मैं आपसे यह कहना चाहता था, सबसे जरूरी चीज, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 50% का बैरियर हो, सबसे जरूरी चीज इसको बचाने का है। अगर यह हाथ से निकल गया, अगर यह खोखला हो गया, अगर यह खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं रहा। तो सबको सबसे पहले इसकी रक्षा करनी है, संविधान की, बिरसा मुंडा जी की सोच की, आदिवासियों की सोच की, अंबेडकर जी की सोच की, गांधी जी की सोच की, गुरु नानक, जो नाम आपको मैंने बताए। और यह मत सोचिए कि यह लड़ाई 70 साल पुरानी है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती जाएगी और इसको हम जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद।